Hello everyone, today we will study chapter number 2, class 7th. Chapter number 2, how do animals take food? कैसे एनिमल अपना फूड टेक करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे फूड वो लेते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. यस स्टूडेंट, एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 1 that green plants are the primary source of food for all living organisms on earth. Means जो green plants होते हैं वो primary source of food होते हैं for all living organisms on the earth. अर्थ पर जितने भी living organism हैं उनके लिए primary source of food होते हैं, because they prepare, means plant prepare their own food, its own. In the presence of chlorophyll, which is green in color, in leaves. Leaves में जो green color होता है, this is known as chlorophyll. तो leaves में chlorophyll present होता है. Chlorophyll sun solar energy को trap कर लेता है, and then solar energy convert into chemical energy, which stored as starch. Means किसन की प्रेजेंस में सोलर एनर्जी लीव्स ट्रैप कर लेता है, और फिर जो सोलर एनर्जी है उसको फिर वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, और फिर वो जब सन की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और वाटर और मिनरल्स रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिएक्शंस होती है, तो वो फूड स्टार्च की फॉर्म में लीव्स में कलेक्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है. वी नो दैट एनिमल फीड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल दैट हैव ईटन प्लांट्स. हम सबको पता है कि एनिमल्स दूसरे प्लांट से या अदर एनिमल से फूड लेते हैं. सो इट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. ये भी आपने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था. इट मीन्स एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट्स. उनकी फूड हैबिट्स के फूड हैबिट्स से ही वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. हर्बीवोर्स दे ईट ओनली प्लांट्स और अ ग्रास. जो भी एनिमल्स प्लांट और ओनली ग्रास पे ही डिपेंड होते हैं, दिस इज कॉल्ड हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं आपका काउ, बफेलो एट्सेट्रा. नाउ कार्निवोर्स, कार्निवोर्स आर दे दैट एनिमल विच ईट फ्लैश ऑफ द अदर्स. फ्लैश ऑफ द अदर्स लाइक लायन, जो दूसरे एनिमल का मीट खाते हैं, दिस इज नोन एज कार्निवोर्स एनिमल लाइक लायन. नेक्स्ट आता है आपका अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, थ्री टाइप के एनिमल्स हैं. तो फर्स्ट हो गया आपका हर्बीवोर्स, सेकंड है आपका कार्निवोर्स, एंड थर्ड ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स लाइक ह्यूमन बीइंग, बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स. जो ओमनीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, क्रो एट्सेट्रा. Humans are omnivores, eating different kind of foods from plants and animal sources. Human means we all. हम सब human being में आते हैं. तो humans are omnivores. They eat different kinds of food from plants and animal. Animal sources से like meat, eggs, etc. And plant source like cereals, pulses, etc. तो जो plant sources और एनिमल सोर्सेज से, दोनों सोर्सेज से अपना फूड लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ह्यूमंस, मींस ओमनीवोर्स.
अच्छा, फूड आइटम लाइक सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्लांट सोर्सेज, एंड एग्स, मीट, मिल्क एंड फिश आर गेट फ्रॉम एनिमल्स. अब देखिए, फूड आइटम डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स भी डिफरेंट होते हैं. लाइक राइस, राइस में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? कार्बोहाइड्रेट. मस्टर्ड में ऑयल. देखिए, न्यूट्रिएंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपको लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था. लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, है ना. कार्बोहाइड्रेट वी गेट फ्रॉम राइस, ऑयल वी गेट फ्रॉम मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, प्रोटीन वी गेट फ्रॉम पल्सेस, एंड विटामिन्स वी गेट फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. नाउ, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर. दिस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड. एनिमल ईट सच टाइप ऑफ फूड विच प्रोवाइड अस एनर्जी. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इस टाइप का फूड प्रोवाइड इनटेक करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है. दीज आर चेंज इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म सो दैट दे कैन बी इजीली एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन. जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. उन्हें लेने के बाद सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में वो चेंज हो जाते हैं, चेंज किया जाता है बॉडी के अंदर. दे कैन बी, जिससे कि वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाएं, और उससे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है. एनिमल न्यूट्रिशन, व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड एनर्जी. एनिमल न्यूट्रिशन फूड लेने का वो प्रोसेस है जिस जब हम फूड को लेते हैं उसके बाद हम उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको एनर्जी में चेंज, उसको यूटिलाइज करते हैं जिससे कि एनर्जी मिलती है, जिससे बॉडी में ग्रोथ होती है. दिस इज नोन एज एनिमल न्यूट्रिशन. वी मीन्स ह्यूमन बींग, हम लोग, वी टेक होलसम फूड एंड सो डू मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स. हम लोग एक हेल्थी फूड लेते हैं, क्लियर, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी को, बॉडी में एनर्जी के लिए. जब हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, तो हम उसके लिए क्या लेते हैं? हेल्दी फूड लेते हैं. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ रेडीमेड सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक फूड इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें हम रेडीमेड सॉलिड फूड और लिक्विड और ऑर्गेनिक फूड्स को लेते हैं एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन. दिस इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन में डिफरेंट टाइप के स्टेप्स होते हैं. देयर आर टोटली 5 स्टेप्स. फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन. वॉट इज द इंजेशन? इन टेक ऑफ फूड इन टू द बॉडी ऑफ द एनिमल. फूड को मुंह में लेना, दिस इज नोन एज इंजेशन. डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल. में जो हम फूड को लेते हैं उसको फिर चीविंग करने के बाद, उसको डाइजेस्ट करने के बाद, उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करना, दिस इज डाइजेशन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे एनिमल्स को एनर्जी मिलती है. एब्जॉर्प्शन, टेकिंग सॉल्युबल न्यूट्रिएंट बॉडी सेल्स के थ्रू, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट को लेना, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. मीन्स एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना फूड पार्टिकल्स में से. Assimilation, utilization of absorbed nutrient of the body cells. जब body cells उसको utilize करता है, उससे energy, body को energy देता है, उससे growth करता है, this is assimilation. And ejection, removal of undigested waste product from the body. जब हम या animals, या living organisms food को absorb करके assimilation करने के बाद, means जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको अब्जॉर्ब करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको जब रिमूव करते हैं बाहर, दिस प्रोसेस नोन एज इजेशन. नाउ आज हम इतना ही लेंगे बेटा. टुमारो आई विल कंटिन्यू चैप्टर अगेन.